क्या आप मानेंगे कि चिड़ियों का चहचहाना एक तरह का डिस्टरबेंस है? वेल, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साउंड वेव किस तरह ट्रेवल करती हैं। हम रूबेंस ट्यूब के जरिए साउंड वेव्स को देखेंगे और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हमारे कान कैसे काम करते हैं। साउंड वेव्स का नेचर लॉन्गिट्यूडनल होता है, जो कि किसी स्लिंकी की तरह इस तरह वाइब्रेट करती रहती है। अगर सच कहा जाए तो साउंड वेव्स में पार्टिकल अपने ठीक पास वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए टेक्निकली साउंड वेव्स को डिस्टरबेंस भी कहा जा सकता है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है? वेल, साउंड वेव्स के मूवमेंट के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यही वजह है कि वैक्यूम यानी खाली जगह में किसी भी तरह का मीडियम न होने की वजह से साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाती, यानी वैक्यूम साइलेंट होता है। सामान्यतः ऐसे मीडियम को एयर कंसीडर किया जाता है, हालांकि ये वाटर, स्टील या ग्राउंड जैसा कोई भी मटेरियल हो सकता है। इंटरकनेक्टेड और इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स की किसी भी सीरीज को एज अ मीडियम ट्रीट किया जाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस को साउंड ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम माना जा सकता है। तो हमारे पास मीडियम ऑलरेडी है, अब हमें जरूरत है साउंड के ओरिजिनल सोर्स की, और सोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो मीडियम के प्राइमरी पार्टिकल को कुछ इस तरह डिस्टर्ब करे। डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट्स वोकल कॉर्ड्स या किसी स्पीकर के वाइब्रेटिंग डायफ्राम या किसी मशीन की वाइब्रेटिंग मेटल्स हो सकती है। तो अब हमारे पास मीडियम और सोर्स दोनों मौजूद हैं। साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स के बीच होने वाले इंटरैक्शन से ट्रांसपोर्ट होती हैं। मीडियम का जब कोई एक पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, तो वो अपने ठीक पास वाले दूसरे पार्टिकल को पुश या पुल करता है। रूबेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के शानदार एक्सपेरिमेंट्स में से एक है, जिसमें फायर की मदद से ये प्रूव किया जाता है कि साउंड वेव्स का नेचर लॉन्गिट्यूडनल होता है। रूबेंस ट्यूब फ्लेमेबल गैस से भरी हुई एक खोखली ट्यूब होती है, जिसके ऊपर वाले हिस्से पे रेगुलर इंटरवल्स पर होल्स ड्रिल किए जाते हैं। ट्यूब के एक सिरे पे रबर की एक मेम्ब्रेन होती है, जिससे एक लाउड स्पीकर कुछ इस तरह जुड़ा रहता है। ट्यूब के ऊपरी हिस्से के होल्स से गैस लीक होने से फ्लेम्स कुछ इस तरह जलती हैं, और इस दौरान जब स्पीकर को ऑन किया जाता है तो साउंड वेव्स ट्यूब के भीतर कुछ इस तरह ट्रेवल करती हैं, जिन्हें फ्लेम्स के रूप में कुछ इस तरह देखा जा सकता है। शानदार है ना? तो हमने अभी जाना कि साउंड को कैसे देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम साउंड सुनते कैसे हैं? वेल, हमें पता है कि साउंड वेव्स एक तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, जो किसी मीडियम से ट्रेवल करती हैं। हमारे कान की कैनाल से लगा के मेम्ब्रेन और छोटी बोन्स की मदद से साउंड कॉकलिया के फ्लूट तक पहुंचती है। कॉकलिया साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करती है, जिन्हें फिर ब्रेन में भेजा जाता है।